हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन फूड फाइनेंस। न्यू स्कूल सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बच्चे काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ होमवर्क एंड नो मोर आउटिंग, तो उन्हें आज हम एक स्पेशल ट्रीट देंगे उनकी फेवरेट डेजर्ट के साथ, स्पॉन्जी एंड सेम टाइम जूसी फ्रॉम इनसाइड बनाना ब्लूबेरी वॉलनट ब्रेड, जो है एगलेस, फ्लॉरलेस एंड लेस शुगरी विथ हेल्दी एंड फाइन टेस्ट, और वो भी है बहुत ही सिंपल एंड इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई, जिसे हर कोई घर पर ही ट्राई कर सकता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और रेडी हो जाइए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बनाना ब्लूबेरी ब्रेड लोफ बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है 1/2 कप रूम टेम्परेचर अनसॉल्टेड बटर। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए। जब हम इसमें शुगर ऐड करके इसे विस्क करेंगे तो इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप शुगर। ये मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप इसकी जगह वाइट शुगर भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं बना रही हूँ एक हेल्दी ऑप्शन, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शुगर। और इसे मैं मिक्स करूँगी हैंड ब्लेंडर के साथ मीडियम स्पीड पर। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, इस टाइप का विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 2 ripe बनानास को लेके मिक्सर में ब्लेंड किया हुआ है। एंड ये मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस 1 teaspoon फॉर अ नाइस फ्लेवर। इन सबको अगेन मिक्स करेंगे, इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। क्योंकि हमें चाहिए क्रीमी एंड फ्लफी टेक्सचर, इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, 3 to 4 minutes तक अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है, हमें यही टेक्सचर चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अगर हमने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है, जो हमारा ब्रेड लोफ होगा वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप व्हीट फ्लोर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। इन सबको पहले हम स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। और मैं अब इसमें ऐड करूंगी, ये मैंने नॉर्मल साइज का 1 कप अराउंड 250 ml मिल्क लिया हुआ है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी हम इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, मैंने 1 कप मिल्क लिया था और ये पूरा ही इसमें यूज हो चुका है। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्रीमी फ्लफी, और जब हम इसे पोर करें तो ये रिबन टेक्सचर दे। यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश ब्लूबेरी, इसे मैं ऐड करूँगी, एंड सम चॉप्ड वॉलनट जिसे हम अखरोट भी बोलते हैं, ये इसमें ऐड करूँगी। और अगेन इसे हम स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे ब्रेड लोफ पैन या मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड लोफ पैन या मोल्ड नहीं है तो आप नॉर्मली केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिसमें केक बनाते हैं वो पैन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रेड लोफ टिन लिया हुआ है, जिसे मैंने पहले ही बटर से ग्रीस कर लिया है। इसे मैं इसमें पोर करूँगी। इसे जब हम ऐसे पोर कर रहे हैं तो देखिए रिबन कंसिस्टेंसी आ रही है। एक सॉफ्ट स्पॉन्ज ब्रेड लोफ बनाने के लिए ये टेक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से चेक करेंगे कि ये प्रॉपर बेक हो चुका है या नहीं। इस तरह हम बीच में नाइफ को डालेंगे और ये देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। इट मीन्स कि हमारा ब्रेड लोफ बिल्कुल रेडी है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद इसे अनमोल्ड करेंगे। आफ्टर 2-3 hours ये प्रॉपर ठंडा हो चुका है और मैं अब इसे अनमोल्ड करूंगी।
तो इस स्वीट सी ट्रीट को एंजॉय कीजिए अपनी पूरी फैमिली के साथ, और मैं फिर से लेके आऊँगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियोस। और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।